विश्व हिंदू परिषद भी 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर संगठन द्वारा परंपरागत प्रभात फेरी निकाली गई। रामनगर शाखा आनंदेश्वर नगर द्वारा वर्ष 1984 से शुरू हुई प्रभात फेरी हर साल निकाली जाती है। विहिप द्वारा इस वर्ष यह 38वीं प्रभात फेरी निकाली गई है। शुक्रवार सुबह सोमदत्त प्लाजा परेड से 8 बजे प्रभात फेरी शुरू की गई, जो अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए बल्लुकेश्वर मंदिर तक पहुंची। विश्व हिंदू परिषद के सभी सहयोगी संगठनों ने स्थापना दिवस पर भाग लिया। बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। विहिप के स्थापना दिवस को लेकर पिछले लंबे समय से तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मधुराम प्रांत संगठन मंत्री राजीव कोरवाल, प्रांत सहमंत्री प्रकाश शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल अर्चना तिवारी जी, प्रांत सत्संग प्रमुख नीमा त्रिपाठी जी, प्रांत सह धर्म प्रसार प्रमुख आशीष गुप्ता, प्रांत सह संयोजक पीयूष, विभाग संगठन मंत्री शंभू दिलीप दुबे, चेतन जी मानु अवस्थी, भाजपा नेता सुरेश अवस्थी, युवराज द्विवेदी, कालीचरण जायसवाल, माधुरी तिवारी, अर्चिता राय, मुकेश राजपूत, रवि पोरवाल जी, रुचि आदि सभी कार्यकर्ता इस प्रभात फेरी में सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।